दोस्तों हमारे पास बहुत ही ज्यादा कमेंट आ चुका है कि हमारी NFT सेल नहीं हो रही है, हम क्या करें कि हमारी NFT सेल हो जाए। तो दोस्तों आपकी NFT सेल ही नहीं होगी क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी गलतियां जो आप कर रहे हो इसी वजह से आपकी NFT सेल नहीं हो रही है। आप बहुत ही अच्छी NFT बना रहे हो, यूनिक से NFT बना रहे हो, मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो NFT बनाने में, लेकिन आपकी NFT सेल नहीं हो रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम उसी सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आपकी NFT बहुत ही इजीली सेल हो जाएगी। स्वागत है आपका एड रन स्किल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। छोड़ो, डायरेक्ट पॉइंट पर ही आते हैं। पॉइंट नंबर वन, जो कि सभी लोग इस गलतियां को अधिकतर करते ही हैं। क्या आपने अपने NFT को सेल करने से पहले उस प्रोजेक्ट का नाम गेस किया है? अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पर NFT को सेल करना चाहते हो तो उससे पहले आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड करना होगा। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट को दिखाने वाले हैं ताकि आप गेस कर सकें, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने क्रिप्टो पंक्स का प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसे डिफरेंट या फिर अलग NFT को नहीं बनाया है जो कि इनके प्रोजेक्ट में न आता हो, यानी कि यहाँ पर आपको जितनी भी NFT मिलेंगी वो क्रिप्टो पंक से रिलेटेड ही होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पंक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक है सिगरेट के साथ है, इसके हेयर स्टाइल चेंज है, यहाँ पर इसका माउथ चेंज है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है, उसके बाद उसी से रिलेटेड ही आपको NFT बनानी है। पॉइंट नंबर टू, क्या आपने अपने NFT को सेल करने से पहले अपने NFT का निश डिसाइड किया? अब आप ये बोलोगे कि NFT के अंदर कौन सा निश होता है। दोस्तों यहाँ पर निश का मतलब ये है कि आप किस डिजाइन में जा रहे हैं, आपको कौन से आर्ट पसंद आते हैं और कौन से आर्ट आप ज्यादा बनाते हैं। जिस भी आर्ट्स में या फिर जिस भी डिजाइन में आपको इंटरेस्टेड है उसी से रिलेटेड आपको सारी NFT बनानी है, उससे अलग कोई भी NFT आपको नहीं बनानी है। यहाँ पर निश का मतलब ये हुआ कि आप उसी निश में अपने उसी कैटेगरी में बहुत ही सारी NFT को आप बनाइए, चाहे आपकी NFT सेम ही हो, बस उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज करिए, आप उसी ही निश में अपने NFT को बनाइए। यहाँ पर अगर आप बहुत ही सारे NFT के यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट हैं उन सारे प्रोजेक्ट को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी NFT हैं सारी NFT सेम ही हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। किसी का हेयर स्टाइल तो किसी का यहाँ पर कैप, किसी का यहाँ पर माउथ या फिर किसी के यहाँ पर कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सारे NFT उसी निश में है, उसी हिसाब से यहाँ पर सारी NFT बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कैट के ऊपर NFT आर्ट्स बनाना चाहते हैं तो आपके सारे NFT जो है उस कैट के ऊपर ही होने चाहिए, जैसे कि गोल्ड की चैन के साथ, गूगल्स के साथ, कैप्स के साथ, बुक्स के साथ, एंग्री, स्माइली, स्मूथ। आप अपने NFT में कोई भी चीज चेंज कर रहे हो लेकिन आपकी जो NFT है वो कैट से रिलेटेड ही होनी चाहिए अगर आप कैट वाले निश पर काम करते हैं तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की, जो कि ये गलतियां सभी लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपने एक अच्छा सा अपना प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड कर लिया और यहाँ पर उसी प्रोजेक्ट में आपने एक अपना अच्छा सा निश भी डिसाइड कर ली, बट क्या आपने उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज बनाई? हमारे कहने का मतलब ये है कि आप उसी नाम से, जिस भी नाम से आपका प्रोजेक्ट है, क्या आपने उसी नाम से अपना ट्विटर अकाउंट बनाया, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया या फिर अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, या फिर आपने अपना डिस्कॉर्ड अकाउंट बनाया, उसी नाम से अपना रेरिबल अकाउंट बनाया? क्या आपने उसी नाम से अपना ओपन से मार्केट प्लेस या फिर वजीरएक्स मार्केट प्लेस का अकाउंट बनाया? नहीं बनाया होगा। दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो आप यही कर रहे हो। आपकी NFT अच्छी भी है, यूनिक भी है, बायर को पसंद भी आती है, लेकिन अगर वो आपकी प्रोफाइल को ओपन करता है तो आपके ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं बनता है, यानी कि आपके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पाता है, ऐसे में आपकी NFT सेल नहीं होती है। मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर आपकी NFT बाय करने के लिए आ रहा है तो आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा? आपके सिर्फ ओपन सी पर ही आपका अकाउंट है और ना ही आपने किसी भी प्रोजेक्ट का नाम सही से रखा है, ना ही आपकी कोई भी सही से निश है और ना ही आपका उसी नाम से कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा? वो कैसे जान पाएगा कि ये NFT आपने खुद बनाई है, आपकी ही NFT है, आपने किसी का कॉपी तो नहीं किया है? तो इसलिए यहाँ पर आपको अपना प्रोफेशनल रीजन शो करना होगा कि आप कितने सीरियस हैं अपने NFT आर्ट्स को लेकर। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद अभी जाइए आप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट का नाम क्रिएट करिए, उसी नाम से आपको अकाउंट क्रिएट करना है जिस भी नाम से आपका प्रोजेक्ट है। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, सभी को कनेक्ट करिए अपने मार्केट प्लेस से, चाहे वो आपका वजीरएक्स हुआ या फिर रेरिबल हुआ या फिर ओपनसी हुआ। ये करने से आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आपकी NFT किसी भी बायर को पसंद आ जाती है, वो आपकी प्रोफाइल को ओपन करता है तो वहाँ पर उसके सामने आपके बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक दिख जाएंगे। अगर वो इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करता है या फिर ट्विटर के लिंक पर क्लिक करता है तो उसे आपके NFT से रिलेटेड वहाँ पर पोस्ट देखने को मिलने चाहिए। आपको ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर, सभी जगह पर आपको अपने NFT को पोस्ट करना होगा ताकि बायर्स को लगे कि हाँ आपने खुद अपने NFT को बनाया है, इसलिए आपके सारे सोशल मीडिया पर ये NFT अपलोड है। तो दोस्तों ये सब चीज करने से बायर का जो भी ट्रस्ट है आपके ऊपर बनता चला जाएगा और ऐसे में आपकी NFT इजिली सेल होने लगेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में कि आपने अभी तक कितने NFT को क्रिएट किए होंगे। 5, 10, 50, 100, आप इतने ही NFT में थक गए होंगे
अब आप ये कहेंगे कि यार एनएफटी सेल ही नहीं हो रही है तो क्या मैं घंटा क्रिएट करूं एनएफटी? तो देखो ऐसे तो आपकी एनएफटी कभी भी नहीं सेल होगी। तो दोस्तों देखिए जितने भी बड़े बड़े एनएफटी सेल हुई है ना, एक बार आप जाइए उनकी प्रोफाइल को ओपन करके देखिए कि अभी तक उन्होंने कितने एनएफटी को मिंट की है, यानी कि कितने एनएफटी को अपलोड किए हैं। मोर देन 10,000, यानी कि अभी तक उन्होंने 10,000 से ज्यादा भी एनएफटी सेल कर चुके होंगे। और आपको क्या लग रहा है कि आप 10 15 20 एनएफटी को अपलोड करके आप जीत जाओगे, आपकी एनएफटी सेल होने लगेगी? ऐसे में आपकी एनएफटी कभी सेल नहीं होगी। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मुझे कितने एनएफटी सेल करनी चाहिए, कितने एनएफटी अपलोड करने के बाद ओपनसी या फिर रेरिबल मार्केट प्लेस पर हमारे एनएफटी सेल होने लगेगी? यहां पर दोस्तों आपको एटलीस्ट 1000 एनएफटी को अपलोड करना है, यानी कि यहां पर आपको कम से कम 1000 एनएफटी तो अपलोड करना ही करना है। लेकिन आप 1000 एनएफटी बनाने से पहले, अपलोड करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप किस निश में अपलोड कर रहे हैं या फिर किस निश में, किस प्रोजेक्ट में आप अपने एनएफटी को बना रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट से हटकर, अपने निश से हटकर आपको एनएफटी कभी भी क्रिएट नहीं करना है, नहीं तो आपके जितने भी बायर आएंगे, आपकी एनएफटी उनको पसंद भी आती है तो आपके एनएफटी को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपका उन पर ट्रस्ट ही नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको कम से कम 1000 एनएफटी तो सबसे पहले अपलोड ही करनी है, अगर आपको यहाँ पर एनएफटी से अर्निंग करनी। दोस्तों जिस दिन आपकी एनएफटी की वैल्यू रैंक कर गई, यानी कि आपकी एनएफटी की वैल्यू ऊपर जाने लग गई, तो हो सकता है कि आपकी जो एनएफटी $5 में बिक रही है, यानी कि जो एनएफटी सेल ही नहीं हो रही है, आने वाले समय में वो एनएफटी आपकी मिलियन में बिक सकती है। यहाँ पर अगर आपको एनएफटी से करोड़ों कमाना है तो यहाँ पर आपको 10 20 30 एनएफटी बनाकर खुश नहीं होना है कि अब हमारी एनएफटी जरूर सेल होगी, अब हमारी एनएफटी सेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब मार्केट में धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि ब्लॉकचेन, एनएफटी, वेब 3.0 क्या है, दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी कंपटीशन बहुत ही कम है। अभी यहाँ पर अपनी जान लगा दो, अपनी एनएफटी क्रिएट करिए, अपने एनएफटी को यहाँ पर 10,000 एनएफटी बना दीजिए, यहाँ पर अपलोड करते जाइए एनएफटी को। तो यहाँ पर जब आपकी एक अच्छी सी प्रोफाइल बन जाएगी तो यहाँ पर अगर आप खराब भी एनएफटी बनाएंगे तो वो भी एनएफटी आपकी सेल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आने वाले समय में मेटावर्स यानी कि एक वर्चुअल दुनिया होगी, और वर्चुअल दुनिया में आपके इन सारे एनएफटी की जरूरत होगी। तो आप समझ सकते हैं आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि ट्विटर अकाउंट से अपने एनएफटी को कैसे प्रमोट किया जाता है, या फिर डिस्कॉर्ड पर, या फिर और किसी सोशल मीडिया पर कैसे अपने एनएफटी को हम प्रमोट कर सकते हैं, तो आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।